किस मैटर में बाबा यहाँ आप क्या कर रहे हैं इको गार्डन में? देखिए ऐसा है, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का पुजारी सम्राट दास हूँ। मैं बीते 27 दिनों से इको गार्डन पर धरना स्थल पर बैठा हूँ। बात मेरे साथ ऐसी हुई, अभी 4 अक्टूबर की एक घटना है जिसमें हमारा वीडियो साक्ष्य है। हम वहाँ के DM मार्कंडे शाही और SP संतोष मिश्रा से। कौन से जिले से हैं? गोंडा जिले से हैं। गोंडा से? हाँ, गोंडा जिला है, ऐटिया तोक थाना लगता है। देखिए ऐसा है, हमारे साथ बीते 4 अक्टूबर को एक घटना हुई जिसका वीडियो साक्ष्य है। उसके बाद भी हमें न्याय नहीं दिया जा रहा है, हमारे ऊपर ही मुकदमा लिखा जा रहा है और हमें को कहा जा रहा है कि हम आपके ऊपर क्रास केस बनवाएंगे। तो भैया, क्रास केस का कोई लहजा होता है कि नहीं होता है? हम 2 हैं, वो 25 हैं, उसके बाद भी हमारे ऊपर ही क्रास केस बनाया जा रहा है। भैया, हर बार नाइंसाफ़ी हमारे साथ ही हो रही है, इसका कोई कारण है? देखिए, हमारे वहाँ एक केसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो कि वो इतने बड़े बाहुबली हैं, इतने बड़े बाहुबली हैं कि उनके ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमे लग चुके हैं। योगी जी का राज चल रहा है, योगी जी जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, योगी की बात करते हैं, बाबाओं की बात करते हैं। आप उनके भी सरकार में जो है बाबाओं के ऊपर बाबाओं की हत्या की जा रही है, कुठाराघात की जा रही है, ये कैसा न्याय है? देखिए ऐसा है, हम तो योगी को क्या बोले, कुछ हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम योगी जी के शासनकाल में खड़े हुए हैं और हमें उम्मीद है। ये बात नहीं है कि योगी बाबा देखेंगे और हमको उम्मीद तोड़ रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल हमें योगी बाबा हो सकता है दे, नहीं तो फिर प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। इतने दिन से धरने पे बैठे? देखिए, हमें 27 दिन हो गए। 27 दिन से जो है आप बैठे हैं और हिंदू धर्म के जो है आप एक बाबा हैं और योगी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तब भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है? देखिए ऐसा है, हिंदू राष्ट्र जो ये हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रभक्त राजभक्त की बात करते हैं, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। चाहे किसी को आप ले लीजिए, राजनीति करते हैं क्या हिंदुत्व की जी? बिल्कुल बिल्कुल, राम के नाम पर उनको वोट मिलना चाहिए बस, क्योंकि राम मंदिर भी जो कह रहे हैं बनेगी वो भी नहीं बनेगी और ना उन्होंने बनवाया है। ठीक है, न्यायपालिका ने जो किया है, कार्यपालिका ने किया, इन्होंने कुछ तो नहीं किया। आपने सुना ना कि न्यायपालिका ने राम मंदिर बनवाया है, योगी जी ने कुछ नहीं किया है, ये बाबा कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर बनवाने की आप बात कर रहे हैं और एक तरफ आपके ही सांसद, आपके ही विधायक, आपके शासनकाल पर मंदिर पे घुसकर, राम मंदिर में घुसकर हमको मारते हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य है, और हम वहाँ से 27 दिनों यहाँ आकर हम बैठे हुए हैं। वहाँ के DMSP तो हमारा कॉल ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। आपका जो है DM जो है कॉल जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे कोई बात नहीं करना चाहते, क्या जवाब देंगे उनके पास? हमारा वीडियो साक्ष्य है, तुम हमारा जवाब? आपके पास एविडेंस भी है, प्रूफ भी है? जी बिल्कुल, आपको न्याय नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, योगी राज में भी न्याय नहीं मिल रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप चाहे हमारा वीडियो देख लेंगे तो ऐसा कोई भी आम जनमानस नहीं है। साधु संत तो कहते हैं संत भगवंत अंतर के, संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, तो मतलब कि संत को लातों और घूसों से मारा जाए, उनके मंदिर में घुसकर सुरक्षा कर्मी खड़े रहे, प्रशासनिक अधिकारी खड़े रहे, उसके बाद भी क्या ये योगी राज में जो है बाबा और संत भी सुरक्षा नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं है। अभी नरेंद्र गिरी जी भी मारे गए, महंत नरेंद्र गिरी जी इलाहाबाद में। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके बाद भी उनके सब लोगों ने बोला कि CBI जांच हो, लेकिन कोई जांच नहीं हुई अभी तक, और उनके शिष्य को भेज दिया गया आनंद गिरी, जैसे हमें पहले भेजा गया जेल में। देखिए हमारे गोली सीने में लगी थी, ठीक है, गोली भी मारा गया इनको जी, फिर भी इनके पास वीडियो का एविडेंस है, इनकी कार्रवाई और सुनवाई नहीं हो रही। योगी राज में जो है हिंदुत्व की बात करते, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, फिर भी जो बाबा हैं हिंदू धर्म के उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए हमें जब गोली मारी गई तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और इनके नेता बोलते हैं मैं किसी को फंसाने के लिए सीने में गोली खाया हूँ। एक छोटा बच्चा भी देख सकता है, कोई किसी को फंसाने के लिए सीने में गोली तो नहीं खाएगा। मैं किसी के डर वश तो साधु संत बना नहीं हूँ, आना किसी कहने से बना हूँ, मैं अपने विचार से बना हूँ।
और मैं अपने विचार से बना हूँ, भगवान की सेवा करने के लिए बना, तो मैं किसी को फंसाने के लिए, मुझे किसी का चीज अगर किसी चीज़ की मोह लालच होती, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरी मैं भी बारहवीं मैथ डिग्री है, देखिए मैं भी बारहवीं मैथ से किया हूँ, ITI किया हूँ, संस्कृत पढ़ा हूँ, तो मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, ठीक। और ज़मीन की बात है, 120 बीघा हमारे ज़मीन है जिसके लिए ये लड़ रहे हैं, तो ये गरीबों में बांट दिया जाए। 120 बीघा ज़मीन है आपके पास? जी बिल्कुल। आप जो है हिंदू धर्म के बाबा हैं, आप हवन पे विश्वास करते हैं, आपके साथ ऐसा कांड हो गया, न्याय नहीं मिल रहा है, तो हवन क्यों नहीं करवाते हैं? देखिए ऐसा है, हवन करवाने के सुप्रीम कोर्ट और न्याय के लिए क्यों भागते हैं? देखिए ऐसा है, हवन करवाने के लिए स्थान चाहिए, जो कि हमारे स्थान से ही हमको हटा दिया गया है, सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल। अब जब हम अपने स्थान पर पहुंचेंगे तो हवन भी होगा, भागवत भी होगी, कथा भी होगा, लेकिन जब हमको वहां पहुंचने दिया जाएगा तब ना इतने बड़े बड़े गुंडा हो गए हैं कि देशद्रोह तक के मुकदमे लग चुके हैं उनके ऊपर, 35-35 मुकदमे हैं। वहां के एक अमर सिंह है ग्राम प्रधान, जिन्होंने हमारे मंदिर में घुसकर हमको मारा पीटा, जानलेवा हमला किया। किस मैटर में मारा? क्योंकि उनको जमीन चाहिए, उनको सांसद का सह प्राप्त है बृजभूषण शरण सिंह का, क्योंकि ये कहने वाली बात नहीं है। मैंने अभी सोशल मीडिया पर 4-5 दिन पहले उनकी उनके साथ उनकी फ़ोटो भी देखी है, ठीक है। ये कहने वाली बात कोई नहीं है जो अगर कि वो मना कर दें, ये सत्य घटना है, मैं इसको देख कर ही बोल रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। अच्छा, है ये बताइए, आप लोग जो है हवन पे विश्वास करते हैं, आप बाबा हिंदू धर्म के हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय की तरफ क्यों भागते हैं? या न्यायालय से न्याय मिलेगा या हवन करने से न्याय मिलेगा? देखिए ऐसा है, वो सतयुग और वो पहले की बात थी कि हवन पूजन करने से सब कुछ ठीक हो जाता था, अब ये कलयुग है, कलयुग में ये न्यायपालिका कार्यपालिका, खुद मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ खुद ही एक संत हैं, उसके बाद संत को लातों और घूसों से मारा जाए, और हवन की बात की जाए ये तो कहीं शोभा नहीं देता है, है ना। ये कलयुग है, कलयुग में कोई किसी का नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये साधु संत को अगर इस लहजे से देखते तो अभी तक तो हमें न्याय मिल गया होता, लेकिन अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है। नहीं, बड़े बड़े मंचों पे जो है योगी जी चिल्लाते हैं कि हमने ये किया हिंदू के लिए, वो किया, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए परेशान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कि वो खुद ही सांसद भवन में एक समय रो रहे थे फूट फूट करके कि हमको कोई बचाएगा, हमारी कोई रक्षा करेगा, आज हम रो रहे हैं तो हमारी रक्षा कौन करेगा, वो तो मैं देखूंगा। अच्छा ये बताइए, उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है, बेरोजगार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, महंगाई पे बात की जाए, तो कैसा माहौल रहा? देखिए ऐसा है, आम जनमानस एक तरफ से पूर्ण रूप से एकदम से परेशान हो चुका है, चाहे आप GST को लगा लीजिए, आज तक कोई 200 किलो लीटर तेल तो खाया नहीं होगा, 200 पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 5 रुपए नहीं, नहीं बिल्कुल, पेट्रोल भी महंगा है, सब कुछ महंगा है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उनका हमारे ढंग से। आप अयोध्या का सर्वे कर लीजिए, केसरगंज का सर्वे कर लीजिए, जिनके भी समय मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो केसरगंज के सांसद हैं उनकी लेटरिंग तो जो बनवाए हैं उनकी तो लेटरिंग गिर रही है। किसकी लेटरिंग? सांसद जी की? जी, सांसद के जो बनवाए हैं, सांसद के जो कार्यकाल में। जी आप जाकर वहाँ के जो यहाँ से मीडिया उडिया जाती है वो बताती है, आप वहाँ देख के ले आइएगा, वो कोई झूठ की बात नहीं, उनके जो वो लगे हुए हैं यहाँ, मतलब फाटक वोटक लगे, वो सब गिर रहे हैं। अच्छा आपको पता है, आप जो है न्याय के लिए भाग रहे हैं, आप जो हिंदू राष्ट्र से आते हैं, हिंदुत्व से आते हैं, हिंदू से जो है कितने जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग बैठे हैं? देखिए ऐसा है, अब सुप्रीम कोर्ट को अब लेकर के हम वहाँ कहे जाए, अभी तो हमें योगी आदित्यनाथ से ये विश्वास है ना कि हम सभी पदों पर जो है ऊंचे वर्ग के लोग बैठे हैं जो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, आपको न्याय नहीं मिल रहा योगी राज में? आपको क्या लगता है कानून क्यों अंधा कहा जाता है, कानून के आंखों में पट्टी क्यों बधी है, तो हम क्यों कहें कि सुप्रीम कोर्ट में इतने लोग बैठे, वो तो अंधे है ना, उनको जो शासन का आदेश मिलेगा वो तो वो करेंगे, वो कहाँ न्याय। हमारे कहने का ये मतलब है कि आप जो है हिंदुत्व की बात करते हैं और योगी जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हिंदुत्व को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखिए वो कहते हैं ना कि हम बुलडोजर माफियाओं पर बुलडोजर चढ़वाने का कार्य करते हैं, और जो बड़े बड़े लोग नहीं, नहीं, तो करवाए ना, अपने BJP सांसद को देखें और सभी को देखें, उनके ऊपर चलवाने का कार्य। ब्राह्मणों पर भी हमला हो रहा है, मारे जा रहे हैं ब्राह्मणों पर, आप तो देख नहीं सकते, गोंडा में कितने ब्राह्मण मारे नहीं गए हैं,
आप जो है घनश्याम शुक्ला की बात कर लीजिए जो मंत्री थे, और जो है हनुमान शरण शुक्ला की बात कर लीजिए, वहाँ कितने औरतों को जलाया गया। हम जो है बीजेपी के विधायक भी पीटे जा रहे हैं गांव में, हमारे इधर प्रतापगढ़ में जो है एक गुप्ता जी थे वो भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सत्य है, क्योंकि ऐसा कार्य हुआ होगा तो मारे गए हैं, ठीक है। और जो मंदिर में घुस करके मरवा सकते हैं साधु संतों को, जो सुरक्षा मिली तो उनको हटा सकते हैं, उसके ऊपर गोली चल सकती है और साधु संतों को मार सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ये तो कुछ भी करवा सकते हैं। हमें तो लग रहा है कहीं कि जो आज़ाद स्वतंत्र देश कह रहे हैं, ये एक दिन गुलाम ना हो जाए जैसे पहले था। इतनी लड़ाइयों के बाद अगर ये गुलाम हो गया तो कोई मुंह दिखाने के लायक ये नहीं रहेंगे, कभी इनकी सत्ता तो आ ही नहीं सकती। क्या लगता है आपको, जो है न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ तक जाएंगे? देखिए ऐसा है, हमें न्याय तो ऊपर वाला देगा ही, क्योंकि राम मंदिर में घुस करके उन्होंने मंदिर में जा करके मंदिर के भगवान की आंखें निकाल ली, हाथ काट ले गए, उसके बाद भी वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ ऐसा है उनके अंदर ईश्वरीय शक्ति है जो कि हमें एक दिन प्राप्त होगी, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, ना हम इनके भरोसे बैठे हैं। अगर उनकी लाठी लग गई ना तो इनको आवाज़ नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सब पता चल जाएगा। बाकी शेष जय श्री राम। जिस तरह से आप लोगों ने सुना, यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो धर्म का चोला पहने हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, 27 दिनों से न्याय के लिए भागा दौड़ा लगा कर बैठे हैं, इको गार्डन में धरने पे बैठे हैं। इनका मैटर जो है, आइए देखते हैं मैटर जो है, एक वीडियो वायरल होने का ऐसा बता, राम जानकी मंदिर तीरे मनोरमा गोंडा के महत पुजारी के जीवन की सुरक्षा एवं मंदिर की सुरक्षा हेतु कर्मी अमरल अनशन के लिए बैठे हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। और इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है, ये कह रहे हैं योगी जी तो हिंदुत्व के नाम पे जो है राजनीति करते हैं, असल में काम नहीं करते हैं, क्या बाबा जी? जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर न्याय यही है कि लातों और घूसों से साधु संतों को मारा जाए। अच्छा ये बताइए योगी जी के कामों से कितना खुश हैं? देखिए हम क्या बताएं, आप बड़े बड़े संतों से जाकर के अयोध्या का सर्वे कर लीजिए ना, वहाँ के साधु संत बिल्कुल नहीं खुश हैं। अभी सत्येन्द्र दास जी ने, वहाँ के जो राम मंदिर के पुजारी हैं, वहाँ के कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि यहाँ से योगी जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने बोला देखिए ऐसा है, हम ये नहीं कह सकते हैं योगी जी के विषय में, वो कहीं गोरखपुर से अपनी सीटें तलाश ले, यहाँ कोई उनका वो नहीं है। क्या लगता है इसका असर पड़ेगा आप लोगों का, असर पड़ेगा आपकी बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है योगी जी फिर से लौटेंगे? देखिए ऐसा है, संत अगर पीड़ित हैं, संत पीड़ित है, कहते हैं संत के कारण ही पृथ्वी टिकी हुई है, तो अगर संत पीड़ित है तो हमें तो नहीं लगता है कि इनकी सरकार आएगी। किसकी सरकार अच्छा आप अपना बनाना चाहेंगे? देखिए हमको जो यहाँ आ करके न्याय देगा हम उसी के साथ में, क्योंकि संत जो होते हैं सबके होते हैं, हमारे सब हैं, हम सबके हैं, हम संत हैं, ठीक है। संत भगवंत अंतर की, संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। और जिस दिन हमारे पास जो आ जाएगा, क्योंकि हमें भरोसा है, क्योंकि अब मोहिभा भरोसा हनुमंता बिनु हर कृपा मिलाए नहीं संत, जो हमारे पास आएगा मैं उन्हीं का साथ दूंगा। आप लोगों ने सुना कि अब जो है योगी जी पे धर्म के चोला पहनने वाले लोग जो है, हिंदू धर्म के लोग जो बाबा हैं उनको भी भरोसा नहीं रह गया। अब कह रहे हैं जो भी पार्टी के या संगठन के लोग हमें न्याय दिलाएंगे, हम उन पार्टियों को जिताएंगे, योगी जी को यहां से पुनः वापस करेंगे, अब योगी जी को कुर्सी से उतारेंगे। इसी के साथ जो है चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।